बाकी आप चाहते हैं कि आपका माइक ऑन ऑफ हो जाए तो वो आप यहीं से ही कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जिससे आप अपना जो है माइक ऑफ़ या यहीं से ही माइक जो है उसको ऑन कर सकते हैं। कैमरा सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप कैमरा सेटिंग क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाती है। तो रेजोल्यूशन है हमारा 1096p का, वीडियो लूप रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन हमारी चल रही है 3 मिनट की, तो हमें 3 मिनट नहीं रखना, हमें यहाँ पे रखना है कि 5 मिनट्स प्रॉपरली ये रिकॉर्ड करे और 5 मिनट्स के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली लूप में आ जाए। साउंड रिकॉर्डिंग हमने रख दी है ऑन। एंटी फ्लिकर हम यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ डाल देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। एक्सपोजर कंपनसेशन वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो, टाइम स्टैम्प वगैरह आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, पार्किंग गार्ड आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। सो पार्किंग गार्ड के अंदर बेसिकली ये होता है कि जब आपकी गाड़ी पार्किंग में भी खड़ी है, आप कैमरा ऑन भी नहीं है, बट कहीं गलती से टक्कर वक्कर लग जाती है गाड़ी को, वो कुछ इस तरीके से सेंस करता है कि गाड़ी ठुक गई है, तो ऑटोमेटिकली वो उस टाइम की पर्टिकुलर वीडियो और जो आपका फोटो है वो कैप्चर कर लेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको ऐसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन वी हैव द कोलिजन सेंसिंग, तो अगर इसको कोलिजन जैसा लगेगा तो इसमें हमारे पास लो, मीडियम और हाई का ऑप्शन है।